योगी ने ले लिया तगड़ा एक्शन। यूपी के सरकारी कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका। अपने अधिकारियों पर योगी का फूटा गुस्सा और अब डीडीओ की सैलरी पर लटकी तलवार। नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अपने ही सरकारी कर्मचारियों के ऊपर एक ऐसा तगड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं जिससे सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया है। अपने जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाने वाले कर्मचारियों के लिए योगी का ये एक्शन एक बड़े झटके की तरह साबित होगा। इस झटके के बाद जो सरकारी कर्मचारी अपने काम में लापरवाही बरतते हैं उन्हें एक सबक भी मिल जाएगा। दरअसल यूपी की योगी सरकार चल अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले कर्मियों को बचाने वाले डीडीओ यानी कि आहरण वितरण अधिकारी का वेतन रोकने की तैयारी कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी विभागों को निर्देश भी दे दिया है। इस निर्देश के तहत मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए डेडलाइन 30 सितंबर तक की रखी गई है। मुख्य सचिव ने कहा है जिन कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है सिर्फ उन्हें ही और उनके डीडीओ को ही सितंबर महीने की सैलरी दी जाएगी। ठीक इसी तरह जिन कर्मचारियों ने अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं डाला है उनको और उनके डीडीओ को सितंबर की सैलरी नहीं मिलेगी, उनकी सैलरी रोक दी जाएगी। मुख्य सचिव की तरफ से जो आदेश जारी किए गए हैं उसमें 90% कर्मचारी अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड कर चुके हैं। 12 सितंबर तक यूपी के कुल 8,44,374 में से 7,19,807 कर्मचारियों ने और अधिकारियों ने अपनी संपत्ति के डिटेल्स पोर्टल पर अपलोड कर दिए हैं। आने वाले समय में ये आंकड़े बढ़ सकते हैं क्योंकि इस पर सरकार ने बड़ा एक्शन लेने का प्लान बना लिया है। इधर आदेश में ये भी कहा गया है कि ये जिम्मेदारी सभी विभागों के अध्यक्षों का है, वो सभी कर्मचारी की संपत्ति का ब्यौरा दर्ज कराएं। अगर इसमें कोई समस्या आ रही है तो नोडल अधिकारी से संपर्क करें, उनसे बातचीत कर इस समस्या का समाधान करें। कुल मिलाकर देखा जाए तो योगी के शासन में हर उस व्यक्ति पर कार्रवाई होगी जो अपने काम को लेकर लापरवाही बरतेगा, भले ही वो अधिकारी उसी शासन में क्यों ना हो। योगी सरकार ने जिस तरह से अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ तगड़ा एक्शन लेने का प्लान कर लिया है उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और खबरों से जुड़े रहने के लिए एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नमस्कार।